अजमेर की आबकारी विभाग ने आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करने पर दो दुकानों को 3 दिन के लिए सीज कर दिया है। साथ ही एक होटल स्थित बार को शराब बाहर बेचने पर सीज किया गया है और उन पर नोटिस चस्पा किया गया है। आबकारी विभाग के गगन यादव ने बताया कि अजमेर के में विधानसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगाई गई है। इसी बीच अजमेर के खाईलैंड मार्केट और गंज में स्थित दो दुकान रात 8 बजे भी शराब बेचान करते पाई गई, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिन्हें 3 दिन के लिए सीज किया गया है। इसके साथ ही नगीनाबाग स्थित होटल एम्बेसिडर के ऊपर स्थित बार को भी सीज किया गया है। इन सभी संस्थान पर नोटिस चस्पा किया गया है। ये कल शाम को रात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हो रहा है और 8 बजे बाद का शराब बेचान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि 8 बजे बाद शराब बेचान हो रहा है। तो जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन जसमानी के आदेश में आज इन दोनों दो दुकानों की शिकायत मिली थी। एक तो खाईलैंड स्थित ये दुकान, दूसरी दुकान गंज स्थित है। दोनों दुकानों के लाइसेंस 3 दिन के लिए सस्पेंड किए गए हैं। तो उसने आदेशों की पालना में ये कार्रवाई। ये सर दो दो जगह आज कार्रवाई हुई है, और जिसमें एक ये दुकान खाईलैंड स्थित जो ये दुकान है वो, उसके साथ ही एक दुकान के अनुज्ञाधारी का नाम सुखपाल गुजर है, और दूसरी जो गंज दुकान हुई है उसमें वर्षा नाम है, श्रीमती वर्षा जी के नाम से है वो दुकान। इन दोनों दुकानों के लाइसेंस आगामी 3 दिन, दूसरी दुकान गंज में है, आगामी 3 दिवस के लिए इन दुकानों का निलंबन किया गया है 17 तारीख। थैंक यू।